जन जन की आवाज आप तक पहुंचाने के लिए जन भारत की टीम रांची के राजभवन के समीप पहुंची है, जहां पर अनिश्चितकालीन धरना रखा गया था और इस धरना को आज 37वां दिन हो चुका है। और वहीं अब ये धरना की ये जो धरना पे लोग बैठे हैं, इनकी सुनवाई नहीं हुई। इतने दिनों तक धरना पे बैठने से इनकी सुनवाई नहीं हुई, तो ये आगे की रणनीति तैयार कर रहे हैं। और यहाँ पर बांस गिर चुका है, जैसा कि आप विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं, यहाँ पर बांस गिर चुका है, सिलाई ये सब हो रहा है लोगों के नए नए। आप हमारे विजुअल के माध्यम से देखिए, सिलाई ये सब भी चालू हो चुका है और यहाँ पर अब लोगों के कपड़े भी सिलना स्टार्ट हो जाएंगे। और यहाँ पर जो ये टेंट बनने वाला है, ये टेंट अब बड़ा हो जाएगा। देखिए आप, सिलाई हो रहा है, सबके कपड़े बन रहे हैं, जैसा कि आप हमारे विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं। आइए हम कुछ लोगों से बात करेंगे और जानते हैं कि अब इनकी आगे की रणनीति क्या होने वाली है। आगे की रणनीति के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? जी आज जो यहाँ राजभवन के समीप यहाँ जो 33वां दिन या टाना भगत स्वशासन व्यवस्था के अगुवाओं के द्वारा जो अनिश्चितकालीन यह आंदोलन है पंचायत चुनाव के विरोध में और पांचवी अनुसूची के समर्थन, हमारे आगे की रणनीति यही होगी कि सरकार या गवर्नर या चुनाव को रद्द करे और पांचवी अनुसूची को लागू कराए। अन्यथा अभी हमारा यहाँ बांस पहुँच चुकी है, तैयारी हमारे कपड़ा सिलाई की यहाँ मशीन लग चुकी है। आप समझ रहे हैं कि हमारा यहाँ आंदोलन लंबे दिनों तक चलेंगे और हम शांतिपूर्ण तरीके से, संवैधानिक रूप से और अहिंसात्मक रूप से हम यहाँ पर आंदोलन करेंगे। अपने न्याय की यहाँ जो मांग है हम राज्यपाल के समीप रख रहे हैं। हम यह मांग को अपने गांव-गांव तक, अभी ये चुनाव खत्म हो जाने के बाद पहुँचेगी और इसके बाद हम सरकार के विरुद्ध में, प्रशासन के विरुद्ध में हम लोग असहयोग का भी निर्णय ले सकते हैं। क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, हमारी आंदोलन की आज 33वां दिन है। आप देख रहे होंगे कि हमारे यहाँ पोशाक भी तैयार हो रहे हैं अपने टाना भगतों के, और अब बांस भी, अब देखिए बड़ी पंडाल की तैयारी हम लोग हैं। हम लोग देश के गद्दारों को, जो संविधान के खिलाफ में खुलम खुल्ला संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, उनका 1 जून से हार्ट अटैक चालू होगा। आज सभी गद्दार जो सेंट्रल लेवल से, स्टेट लेवल से लेकर पंचायत तक जो हैं, जो गरीबों को, आदिवासियों को हमेशा लूटने का काम किया है, उनका कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। और ज़रूरत है एक एक परिवार के जनता को अपने हक अधिकार के लिए, उनको जानना पड़ेगा कि संविधान में उनके लिए क्या अधिकार मिला है और पांचवी अनुसूची हजारों समस्या का समाधान कैसे है, इस चीज़ को जानना पड़ेगा। आज ज़रूरत है कि जिस तरीके से हमारे लोगों को पैसा देकर के पंचायत में उठाया गया, एक भाई से भाई को लड़ाया गया, एक पति और पत्नी के बीच में दरार पैदा किया गया, एक समाज को तोड़ने का प्रयास किया गया, उस सारे लोगों को चिन्हित करेंगे। 2016 से लेकर 2021 तक का जितने भी लूट ये लोग किए हैं ऊपर से नीचे तक का, इसी का एक माध्यम था पूजा सिंघल थी, और पूजा सिंघल जैसे लाखों लोग हैं, सभी को हम लोग निचोड़ेंगे, टटोलेंगे, पकड़ेंगे, चिन्हित करेंगे और उनको, उनका जो काला चिट्ठा है उसको खोलेंगे। इसलिए जनमत का जो हमारा ये था, अब 1 महीने का जो सेशन हम लोग पूरा किए, अब देखिए आगे आगे हम लोग लड़ाई का कैटेगरी बदलेंगे। अभी हमारे साथ एक महिला है जो यहाँ पे धरना में बैठी है और ये क्या कुछ कहना चाहती है, आइए इनसे जानते हैं। हम लोग अभी तक, आज 23वां दिन चल रहा है और यहाँ पे हम लोग धरना में अपना हक अधिकार के लिए बैठे हुए हैं और आज तक हम लोग को कुछ रिजल्ट दिखाई नहीं दे रहा है। और इसी तरह हम लोग जब तक हम अपना हक नहीं पा लेते हैं, तब तक इसी तरह, चाहे जितना दिन हो, हम इसी तरह बैठे रहेंगे। अपना घर बार छोड़ के आए हैं ना? हाँ, अपना घर बार छोड़ के आए हैं। दिक्कत नहीं हो रहा है? दिक्कत तो आगे होगा, इसीलिए बचने के लिए हम आज ही दिक्कत झेल रहे हैं, आज ही यहाँ पे बैठ के अपना समस्या का समाधान करना चाह रहे हैं। अपना हक अधिकार नहीं मिलेगा, आगे जाके बच्चों को नौकरी में दिक्कत होगा और जो भी व्यवस्था है देख ही रहे हैं कितना दिक्कत हो रहा है आदिवासी बच्चों को, पढ़ाई लिखाई में, हॉस्पिटल में,
शिक्षा व्यवस्था सब बिगड़ा हुआ है यहाँ का। हम तो चान्हों से हैं। किस लिए धरना पे बैठे? हम लोग तो यहाँ मांग रखे हैं पाँचवी अनुसूची का, और ये 33वां दिन है आपका, 18 तारीख से यहाँ धरना पर हम लोग हैं, लेकिन यहाँ ना सरकार सुन रही है हमारी बात को और ना यहाँ के गवर्नर साहब सुन रहे हैं हमारी बात को। हमको लगता है कि इन लोग बहिरा हो गए हैं अभी हमारे क्षेत्र में, क्योंकि इनका पुरजोर विरोध के लिए हम लोग रोड मैप तैयार कर रहे हैं। फिलहाल हमारा ये आपका मंगलवार को बड़ा कार्यक्रम हुआ था पढ़ा के बीच में, और वहाँ हम लोग इस बात को रखे हैं। बहुत सारे महिलाएं वहाँ हमको लगता है धरना पर आएंगे और इस बात को उन लोग मजबूती से रखेंगे। आज इन लोग का यही सोच है कि इन लोग क्या करेंगे। हम लोग सरकार को अब तो हम लोग को ये बताना है, ये चूँकि पंचायत चुनाव संवैधानिक है, ये पाँचवीं अनुसूची लगना है, पाँचवीं अनुसूची क्षेत्र में पंचायत चुनाव ये वैध नहीं है, फिर भी यहाँ चूँकि सभी कानून को ताक में रखते हुए और हम लोग को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, ये बहुत दिन चलने वाला नहीं है। हमारे जनता समझ चुके हैं और ये आज निकल इनको हमारा मांग के प्रति इनको खड़ा होना होगा, देना ही होगा, और अगर यदि हमारी मांग पर खड़ा नहीं उतरते हैं तो हम लोग यहाँ इतने बाँस उस लाए हुए हैं, हम लोग का चलेगा किसान आंदोलन जैसा कार्यक्रम चलता रहेगा हम लोग का, और हम लोग विरोध करते रहेंगे और सरकार का हम लोग किसी तरह कोई सहयोग नहीं करेंगे, असहयोग आंदोलन चलाएंगे। सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद, और मैं कहना चाहूँगा कि आज हमारा जो यहाँ टाना भगत की अगुवाई में जो आंदोलन चल रहा, असहयोग आंदोलन चल रहा है, यह बतलाता है कि यहाँ इस क्षेत्र में जो व्यवस्था है वह हमारे आदिवासियों को जो व्यवस्था थी इसको नकारते हुए यहाँ लोग पंचायती व्यवस्था, चुनावी व्यवस्था और यहाँ इस तरह का जो व्यवस्था दिया गया है, यह हमारे व्यवस्था के सीधा सरासर खिलाफ में है। और मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ जो व्यवस्था है, या पूरे दुनिया की बात करें तो आप लोकतंत्र की बात करें तो ये आदिवासियों का देन है, ये आदिवासियों से लोग सीखे हैं कि लोकतंत्र होता क्या है। और आप मैं आपको बता दूं कि यहाँ की जो सरकार है, झारखंड सरकार, किसी केस में झारखंड सरकार के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय रांची को ही ये कहा गया है, जवाब में कहा गया है कि यहाँ न हम राज करते हैं न करेंगे, हमारे ऊपर जो कहा जा रहा है यह गलत है। इस तरह का इनके द्वारा भी कहा जा रहा है और कि पाँचवीं अनुसूची क्षेत्र में मैं राज नहीं करता हूँ, इस तरह का बात है। तो जब ये सारी बातें आती हैं तो फिर हमारे लोग, हमारा जो व्यवस्था था उस व्यवस्था को हम लोगों को क्यों नहीं छोड़ दिया था कि हम लोग उसी व्यवस्था के तहत तो उसमें जिए खाएं रहें। यह तो सरकार के द्वारा ये संविधान में ही प्रावधान किया हुआ है कि आपका जो व्यवस्था है आप अपने हिसाब से अपना नियम कानून बना सकते हैं और अपने हिसाब से स्वच्छंद जीवन विचरण कर सकते हैं, यह संविधान के द्वारा प्रदत्त अधिकार है, ये हम लोगों को ये अधिकार दिया गया है। धन्यवाद। सबसे पहले इस मीडिया के माध्यम से आप लोग जो हमारी बातों को, जिनसे हमारी मांग है या जिनसे हमको आदेश देना चाहते हैं ये बात को पहुंचाते हैं, इसलिए सबसे पहले आप लोग मीडिया बंधुओं को, आप लोग को धन्यवाद देंगे। और मैं बात ये बताना चाहूँगा कि ये भारत देश सदियों से आदिवासियों का है, हम यहाँ के मालिक हैं, हम यहाँ के राष्ट्र हैं, और ये हम ही नहीं, हमारा वो संविधान करता है जिसके द्वारा मनोनीत होकर हमारे महामहिम लोग आते हैं, मंत्री और मंत्रालय लोग चलते हैं, और ये सभी हम अपनी मालिकियत और मालिक होने का हक और हुकूक, हमारी मान आन शान कोई ललकारने का काम कर रहे हैं जो अब बर्दाश्त नहीं है। ये 73 साल और 72 साल का जो आंकड़ा है शासन व्यवस्था उनका संचालन करने का, वो हमारे लोगों को और हमारे आदिवासियत को हमेशा ठेस पहुंचाया है जिसको अब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये विधिवत होगा, नीतिगत होगा, संविधान के द्वारा प्रदत्त वो जो नियमावलियाँ हैं उसके तहत होगा। हम ये नहीं कहेंगे कि हम इसके लिए हम उग्र होंगे, क्रांति करेंगे, या जो संविधान में लिखा है उसके हम विरुद्ध में जाएंगे। हम ही लोगों से ये संविधान का नीति निर्धारण हुआ है, ये लोग सीखे हैं शासन व्यवस्था, और आज हम ही को मालिक को यहाँ के मिल्कियत के जो लोग हैं उन्हीं पर ये मालिक बनने का जो काम कर रहे हैं जो सरासर गलत है, और इसी का हम लोग विरोध, जब तक हमारी हक और हुकूक नहीं मिलती है ये सत्याग्रह चलता रहेगा। धन्यवाद।
तो जैसा कि आपने देखा कि बांस वांस गिर चुका है, सिलाई हो रहा है, कपड़े सिल रहे हैं और अब ये टेंट बढ़ने जा रहा है। ये टेंट बड़ा हो जाएगा और यहाँ पर लोग भी आ सकते हैं, हो सकता है। और शायद अब ये देखने वाली बात है कि सरकार इनकी मांग को कब पूरा करती है, इनकी बात को कब सुनती है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे जीएन भारत के साथ। धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।